आपने देखा हम अभी आ गए हैं जबलपुर ग्वारी घाट है यहाँ पे हर रोज शाम को 7 बजे से एक माँ नर्मदे की आरती होती है। तो आज यहाँ पे माँ नर्मदा की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ का जो अभी एटमोस्फियर था वो भी बहुत ही अच्छा भक्तिमय था। और जो लोग गंगा हरिद्वार नहीं जा सकते उसके लिए भी मध्य प्रदेश में यहाँ जबलपुर में ग्वारी घाट पे बहुत ही अच्छा आरती होती है माँ नर्मदे की। तो आप भी आइए और देखिए, बहुत ही अच्छा है। Thank you.
माँ नर्मदा जी के पवित्र जल में कोई भी अपशिष्ट पदार्थ, कोई भी कूड़ा कचरा प्रवाहित नहीं करूंगा तथा माँ नर्मदा तट को स्वच्छ तथा सुंदर बनाए रखने हेतु सहयोग प्रदान करूंगा। आज लिए गए संकल्प का जीवन पर्यंत निर्वाह करूंगा। बोलो नर्मदा मैया की। आपने आज देखा ये जो अभी माँ नर्मदे की आरती हुई, तो आपने देखा हम अभी आ गए हैं जबलपुर। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे सभी ने आरती की है और आपने भी अभी देखा। तो ये हमारे साथ भी गोविंद भाई भी है इस बार। तो आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? नर्मदा मैया की जय। नर्मदा मैया के दर्शन किए बहुत अच्छा लगा और अभी जो आरती का जो दृश्य था और जो भक्तिभाव वाला माहौल था बहुत ही रमणीय है और देखने लायक। आज ये मैया के हम लोग थोड़ी देर बोटिंग भी किए, अंदर बैठ गए और आरती का भी आनंद लिए और भक्तिभाव का आनंद बहुत ही अच्छा है और घूमने लायक है और बहुत ही अच्छी तरीके से स्वच्छ भारत का और जो लास्ट में आरती होने के बाद स्वच्छ भारत नर्मदा मैया लिया वो जीवन भर सब लोग स्वच्छ रखे और सब तरह के नदियों के सब घाट हैं सब स्वच्छ रखे, वही सबसे निवेदन है। तो आपने देखा गोविंद भाई की ने भी अपील की है और हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी जो कि प्रधानमंत्री वो भी बोलते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान है तो उसके अंतर्गत यहाँ पे भी लास्ट में आपने देखा तो वो भी स्वच्छता के संकल्प लेते हैं और सभी अगर देशवासी लेने लग जाए तो पूरा देश ऐसे ही स्वच्छ हो जाएगा। जय माँ नर्मदे। ठीक है ठीक है। हाँ बोल नहीं।